हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑफकोर्स एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन मारते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले आइए देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से। तो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं ज़ीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स, दैट इज़ वन टू थ्री सो ऑन। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं भाई होल नंबर्स, दैट इज़ द ज़ीरो, उसके बाद आपके आ गए नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री सो ऑन, और फिर उसके बाद आ जाते हैं इन्हीं के नेगेटिव्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और ये भी अप टिल इनफाइनाइट। अगर इसको हम एक नंबर लाइन पे देखें तो क्या होगा? मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, तो ये हो गया हमारे नंबर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, और आगे तो है ही है, क्यों? तभी तो ये एरो लगा हुआ है कि टू इन्फिनिटी। ठीक, काउंट तो कर नहीं सकते कितने नंबर्स होते हैं। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो, ज़ीरो का लेफ्ट साइड किधर हुआ? इधर हुआ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए, अगर हम पेन का कलर चेंज करते हैं पहले, फिर देखते हैं एक अच्छा सा कलर लेकर के। लेट मी टेक दिस कलर, लेट्स सी। अगर हम यहाँ से देखें, ओह नो, ये कलर तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। चलिए विल टेक अ डार्कर कलर। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आगे जाने वाले जितने नंबर्स, ये स्टॉप है, यानी कि वन से आगे, वन से टू द राइट साइड अगर हम जाते हैं, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये कौन से नंबर्स हैं हमारे? ये हो गए होल नंबर्स। अब आप कहेंगे ज़रूरत क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो ये आगे आप पढ़ोगे जब हमारे पास एक्स सिंपल इक्वेशंस आती हैं जिसमें एक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है, तो कभी कभी स्पेसिफाई किया जाता है कि एक्स कैन बी अ होल नंबर, एक्स कैन बी अ नेचुरल नंबर। ये हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ काम आएगा। इसी तरीके से ये हो गए। अब इसके बाद अगर हम दोनों तरफ का ले लें, कि इधर का भी ले लें, एंड दैट इज़ नॉट एंडिंग, सॉरी, सो ये नहीं होगा, दिस इज़ नॉट एंडिंग, अनदर डार्क कलर, सो नॉट एंडिंग, इधर भी और इधर भी, ये सब हो गए हमारे इंटीजर्स। दोनों साइड एक्सटेंड करेंगे एंड दिस इज़ नॉट स्टॉपिंग, जैसे ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ये भी यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, कि इसके लेफ्ट साइड के नंबर्स हम नहीं लेंगे नेचुरल नंबर्स में। यहाँ इस केस में इसके लेफ्ट साइड के नंबर्स हम नहीं ले रहे हैं होल नंबर्स में, मगर इंटीजर्स दोनों तरफ। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर लाइन पर तो हम फ्रैक्शंस भी दिखा सकते हैं, पर इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक, जैसे माइनस थ्री है, लेकिन अगर हम बोलें कि माइनस थ्री अपॉन फोर, तो ये इंटीजर में नहीं आएगा, ये फ्रैक्शंस में जाएगा। अभी हम केवल इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम कुछ ऐसे बनाएं तो हम ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं कि जैसे ये हो गया नेचुरल नंबर्स, अगर इसमें हम एक ज़ीरो ऐड कर दें तो ये बन जाता है होल नंबर। ठीक, और इसके बाद अगर हम नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स भी ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के अंदर ही आएंगे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, यानी कि इंटीजर्स इज़ द बिगर फैमिली, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये। ठीक, चलिए
ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें जो हमें रिवाइज करनी है। देखिए जैसे ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन देखिए यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, इधर राइट में पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे और लेफ्ट में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स जैसे ये सर्कल्ड हैं, ये सर्कल्ड है यहाँ पर, ये सर्कल्ड है और ये भी सर्कल्ड है, इनकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ दिस नंबर, दिस नंबर इज प्लस थ्री, ये नंबर क्या है माइनस वन, ये नंबर क्या है माइनस फाइव। इसी तरह से तो हम प्लॉट करते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन पे। ओके, यहाँ देखेंगे माइनस सिक्सटीन, माइनस नाइन, माइनस फोर, ज़ीरो, थ्री, एट, फोर्टीन, क्या आपको दिख रहा है। अब देखिए ये ज़ीरो है, यहाँ पे ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ठीक। तो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज इंटीजर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा माने राइट से हम जाएंगे लेफ्ट। तो राइट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास, 14, फिर कौन सा है 8, फिर कौन सा आएगा 3, फिर 0, माइनस 4, माइनस 9, माइनस 16। सो व्हाट डू वी सी हियर, हम ये देखते हैं कि माइनस 16 जो है छोटा है किससे, माइनस 9 से, यानी कि माइनस होने पर नंबर की वैल्यू घट जाती है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, आपके ऊपर उधार है 5 रुपीज़ का, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा है 2 रुपये, बताओ किसके पास बेटर अमाउंट है पैसे का। आपके पास तो नुकसान हुआ है ना, 5 रुपये का उधार है, आएगा कहीं से तो देना पड़ जाएगा। तो माइनस में कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू, जितना बड़ा नंबर होगा यानी कि उसकी वैल्यू उतनी ही कम है, माइनस है ना, इसलिए माइनस माने नुकसान, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। तो जितना ज़्यादा नुकसान, वैल्यू जितनी बड़ी हुई माइनस में, यानी कि नुकसान उतना ही ज़्यादा है आपका। तो कितना आप क्या बोलोगे कि जो भी हमारा, अगर माइनस 16 है और माइनस 9 है तो क्या बेटर है, माइनस 9 ऑफ कोर्स बड़ा है, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस 4 बड़ा है कि ज़ीरो, माइनस 4 बड़ा है या ज़ीरो, कौन सा साइन लगेगा इनके बीच में, माइनस 4 छोटा है। माइनस 2 बड़ा है या 2 बड़ा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, ठीक। इनफैक्ट माइनस 100 बड़ा है या ज़ीरो, किसी बच्चे के एग्ज़ाम में माइनस 100 आ जाए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, वो बेटर है या ज़ीरो आ जाए, इस केस में तो ज़ीरो बेटर है, तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन माइनस 100, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई दीज, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी डन। हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव हियर, दीज आर ऑल एग्जांपल्स एंड वी शुड डू इट इन अ नोटबुक, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल लिखेंगे और हम करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो, ठीक है। एक नंबर लाइन हमको यहाँ पे दे रखी है, ये हमारी नंबर लाइन है, एंड व्हाट आर दे आस्किंग अस टू डू, माइनस 3 एंड माइनस 2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ, ई पे क्या है माइनस 3, एफ पे क्या है माइनस 2, विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय बी, डी, एच, जे, एम एंड ओ। सबसे पहले बी, तो पहले हम देख रहे थे हमें किस किस की वैल्यू बतानी, हमें बी का बताना है वैल्यू क्या है, डी का बताना है, एच, जे, एम एंड ओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी इज, अगर ये माइनस 3 है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4, ये क्या है माइनस 5, ये क्या है माइनस 6, तो बी हो गया माइनस 6। उसके बाद नेक्स्ट डी, डी क्या है, एज वी कैन सी डी है माइनस 4। फिर है एच, यहाँ पे सबकी नंबरिंग पहले कर लेते हैं, दिस इज माइनस 2 तो ये हो गया माइनस 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7,
ओके नाउ इट इज़ मच ईजियर फॉर अस टू डू. एच क्या है? एच है ज़ीरो. देन नेक्स्ट इज जे एम ओ. जे क्या है? टू. एम क्या है? फाइव. और ओ क्या है? सेवन. ओके नाउ दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन नंबर टू अरेंज सेवन माइनस फोर फोर ज़ीरो एंड माइनस फोर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा. तो अब आप बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? पहले तो हमारे पास नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है. तो छोटे नंबर्स कौन से हैं? नेगेटिव वाले. तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा एक्चुअल में वो सबसे छोटा नंबर होगा. तो ऐसा कौन सा नंबर है? नेगेटिव में माइनस फाइव है, माइनस फोर है. बताओ माइनस फाइव बड़ा है कि माइनस फोर बड़ा है? वेरी गुड, माइनस फाइव बड़ा है. असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि ऐसे साइन लगाएंगे. फिर कौन सा आएगा? माइनस फोर. फिर कौन सा आएगा? ज़ीरो. फिर तो हमें पॉजिटिव में तो हमको पता ही है कि ज़ीरो के बाद फोर आ जाएगा, फोर के बाद सेवन आ जाएगा. हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सिंपल.